अस्सलाम व्यूअर, आज मैं आप लोगों के साथ पोटैटो एंड चिकन कबाब शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। ये 3 आलू जिसको मैंने बॉयल करके कद्दूकस किए, 240 ग्राम ये चिकन जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड किया, एक अनियन जिसको मैंने कद्दूकस करके पानी निकाल दिया, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 चम्मच हरा प्याज एंड हरा धनिया, मसालों में आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, 2 हरी मिर्च, नमक फॉर टेस्ट, 4 स्पून हल्दी, 2 चम्मच भुना हुआ चने का आटा। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ। अब 1 से 2 चम्मच ऑयल। अब सबको इस तरह हम तैयार करते हैं। तो सब कटलेट को मैंने तैयार कर दिया है। अभी मैं इसको 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखती हूँ। सो 15 मिनट हो चुके हैं कबाबों को फ्रिज में रखती हुई। अब ये 2 चम्मच वाइट आटा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसका मैं पेस्ट बनाती हूँ। सो मैंने इसका 3 सा पेस्ट बना लिया। अब एक अंडा, अंडे को मैंने थोड़ा सा साल्ट डाल के फेंट लिया। अब कबाब को मैं अंडे में डिप करती हूँ। जिसको अंडा पसंद नहीं है उसके लिए मैदे का जो मैंने पेस्ट बनाया, कबाब को मैंने तैयार कर दिया। कुछ पर मैंने मैदे का पेस्ट लगाया और कुछ पर मैंने अंडा, और उसके बाद मैंने ब्रेड ग्राम लगाया। अभी लेट्स गो, इसको शेलो फ्राई करते हैं। तो मैंने आयल को गर्म कर दिया और कबाब को फ्राई करते हैं। मैं इसको शेलो फ्राई कर रही हूँ, आप लोग डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी फ्राई हो रही है, कोई भी टूटा नहीं है। सो पोटैटो एंड चिकन कबाब आर रेडी। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी, एंड आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।